शर्मा मार्कोस फिजिकल एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने हाई जंप के बारे में बताया था कि हाई जंप के लिए क्या करना है। हाई जंप के लिए मैंने बताया था टक ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। और सेम अब मैं आपको लॉन्ग जंप के लिए बता रहा हूँ, जिसमें लॉन्ग जंप में दोनों का मिक्सअप होता है। हमारे पास टक ऑफ स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और सेकेंड थिंग हमारी रनिंग में स्पीड भी होनी चाहिए। अगर जो लॉन्ग जंप की तैयारी होती है, बेसिकली इसमें 25 मीटर 40 मीटर 50 मीटर के शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंट की तैयारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज उसकी अगर आप फास्ट रनिंग लेके आ रहे हो और आपका टक ऑफ स्ट्रेंथ अच्छा है तो आपको टाइम क्रिएट होता है ऊपर। आपकी बॉडी जब एयर में रहती है ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अगर एयर में रहेगी और आपकी रनिंग फास्ट रहेगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली आगे गिरेगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारा लैंडिंग और हमारा टेक ऑफ कैसा होना चाहिए। तो उसकी बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगा, टेक ऑफ के लिए हमें क्या करना है और लैंडिंग इसमें किस तरह से करनी है। इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी हम लैंडिंग करें हम अपने दोनों लेग को एक साथ लैंड करें नीचे, और टेक ऑफ में एक लेग से उठता है और लैंडिंग में दोनों लेग साथ में नीचे जाती है, और घुटने हल्के से आगे की ओर बैंड होने चाहिए। बिकॉज़ कि अगर आपके घुटने बैंड नहीं रहेंगे तो एनर्जी जो है आपके घुटने के रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो बनाएगी, जो कि आपको, क्योंकि आप देख सकते हो ये घुटना आगे की ओर तो बैंड है, ये आगे बैंड हो पा रहा है पर यह पीछे बैंड नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जब भी आपके पैर एकदम सीधे पड़ेंगे तो इसकी एनर्जी इस पॉइंट पे स्टोर हो जाएगी और पीछे की ओर ताकत लग जाएगा, जो कि जिसका कि नेगेटिव इंपैक्ट आपके लिगामेंट पे पड़ सकता है। तो दोस्तों ये ज़रूर से याद रखना है कि जब भी आप, चाहे आपका मेजरमेंट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, बिकॉज कि हम सारे अभी बिगनर्स बच्चों को तैयार करते हैं तो हम स्टेप्स बताते हैं उनको, बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए, इंजरी फ्री वर्कआउट और इंजरी फ्री जंप होनी चाहिए। कि अगर हम मान के चलो अगर हम किसी तरह की इंजरी ले लेते हैं उसमें पूरा एक महीना डेढ़ महीना ख़राब हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम कम मेजरमेंट मारेंगे लेकिन टेक्निक वाइज हम अपने आप बॉडी को बहुत सही तरीके से लैंड कराएंगे। हमारा स्टेप टेक्निक वाइज, टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों पॉइंट बिल्कुल टेक्निक वाइज जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी टेक्निक इसमें डेवलप होनी चाहिए। और मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ एक जंप। पहले अच्छे से आपको जो मेजरमेंट है 12 फीट और 14 फीट, मैंने यहाँ पे CPOSI के लिए जो 12 फीट का लॉन्ग जंप का मेजरमेंट होता है वो भी लगा रखा है, और आर्मी में 14 फीट का होता है वो भी लगा रखा है। मैंने आपको अभी दोनों क्लियर करके दिखाऊंगा और फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से हम इस जंप को ले रहे थे। तो थैंक यू। जंप है, हम अपने 14 फीट के जंप को पीछे की लाइन से आधे फीट या एक फीट पीछे से उठाएंगे ताकि रिस्क ना रहे आगे उधर फॉल होने का। अब मैं आपको बहुत इजी में 12 फीट करके दिखाता हूँ। अब आप ये देखो, देखिए आप, इसका नाम सुनील है। सुनील ने अपने मेजरमेंट को पास किया है, उसका जंप अच्छा आ रहा है, बट टेक्निक वाइज उन्होंने ठीक नहीं है। कि ये जब जंप लेते हैं आप वीडियो में देखेंगे इनके हाथ नीचे होते हैं, तो हाथ नीचे होने से क्या बॉडी ऑटोमेटिकली पहले टाइम से पहले नीचे आ रही होती है। हाँ, अपने हाथ को ऊपर रखें जब आप जंप कर रहे होगे, तो जंप के टक ऑफ के साथ अपने हाथ ऊपर और लैंडिंग के साथ हाथ नीचे आएंगे, ना कि आप जंप लेते वक्त ही अपने हाथ को नीचे रखोगे। अभी पुरानी अभी जो जस्ट वीडियो बनी थी आपका, इसमें हाथ नीचे की ओर था। एक बार फिर से ट्राई करो, रनिंग फास्ट रखना ज़्यादा से ज़्यादा, टक ऑफ हाई और हाथ भी हाई, ठीक है, और नी को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करना। ओके चलो, आइए कमर फास्ट रेडी। मच बेटर, अप्रॉक्स 14 फीट का जंप आया। सुनील, इस बार आपका जंप ठीक था, हाथ ठीक था, लेकिन आप टेक ऑफ कम लिया था। आपको ऐसा फील हुआ कि फ्लो फ्रंट साइड ज़्यादा था, हाइट कम थी, तो हाइट ज़्यादा लो तो यहाँ पे जो बॉडी जंप लेने के बाद जो बॉडी डिसबैलेंस होनी ना फटाक से आगे आई है, वो एकदम ऊपर से उतरनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे एकदम स्थिर उतरनी चाहिए, ना कि आपकी बॉडी स्किट करे आगे आगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे मेजरमेंट आप किसी भी पुलिस का मेजरमेंट आप पास कर रहे हो, बट टेक्निक वाइज और ज़्यादा डेवलप करना अपना। ओके, वन मोर टाइम, एक बार और ट्राई करो, इस बार टेक ऑफ हाई लेना। बिट्टू, रनिंग अच्छी है, जंप भी अच्छा है, बट हाथ नीचे।
आपके हाथ जंप लेते वक्त नीचे होते हैं, हाथ को ऊपर करो, जंप लिया आपने हाथ ऊपर और फिर लेग के साथ लैंडिंग के साथ हाथ भी डाउन आए, पहले से हाथ डाउन है, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करो, जब आप जंप उठा रहे हो ना, ये वाला पॉइंट उठा रहे, ये वाला जो पैर लिफ्ट हुआ नी, आप एक हाथ उठा पहले, फिर इससे मैच करना है और फिर दोनों पैर के साथ नीचे उतरना है, हाथ नीचे, ये नहीं कूदना है, ये नहीं कूदना है, हाथ नीचे नहीं रखना है, अपर बॉडी सपोर्ट करेगी अगर हाफ शोल्डर खींचोगे ऊपर, ठीक। नॉर्मल मत करो, सुनील आइए, चलो ठीक है, वेरी नाइस परफॉर्मेंस, डे वाइज डे इंक्रीज करेगा और मेहनत की जरूरत है, ऐसे आपका जंप स्टेट किसी भी स्टेट पुलिस का पास, ओके कंग्रेचुलेशन। हाइट मच बेटर, बॉडी स्थिर हुई वहां, देखे कैसे गई वहां, यही चीज, जब आप हाइट लोगे ना बॉडी स्मूथ उतरेगी, और हाइट भी सही थी, मेजरमेंट भी सही आया और बैलेंसिंग भी रही, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपना मेजरमेंट मार दें, इंजरी फ्री भी करना है, इंजरी से कोई भी किसी तरह का नाता नहीं रखना, जब आप वर्कआउट कर रहे हो जंप ले रहे हो, लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी आ जाती है अगर आप अपने जंप को टेक्निक वाइज सही नहीं कर रहे, ऑलवेज नी शुड बी फोल्ड, घुटना हल्का आगे और ऊंचाई से उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका हर तरह का मेजरमेंट पास है, ठीक है। बेसिक टेक्निक क्या थी, ये इसकी बेसिक टेक्निक होगी, कुछ इसके वर्कआउट्स हैं वो अगली वीडियो में, मैं इसके कुछ वर्कआउट भी डिस्कस करूँगा जो कि उस वर्कआउट को करने से आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों ही इंक्रीज होगा। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू वेरी मच।